अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, दाल चावल की सैलड है, चटनी है, मिर्ची फ्राई है यहाँ पर। और ये जो मिर्ची यहाँ पर डली हुई है, ये मिर्ची फ्राई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर हम आपको रेसिपी दिखाने वाले हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। खुशबूदार धमाकेदार यहाँ पर ये रेसिपी है, ये देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त आपके रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इससे पहले आपने ऐसी रेसिपी कहीं नहीं ट्राई की होगी, कहीं नहीं देखी होगी, तो चलिए मेरी रेसिपी को आप देख लीजिए, स्टार्ट कर लेते हैं। इसके साथ हमने लिए हैं सैलेड, मिर्ची फ्राई, चटनी, बहुत ही ज़बरदस्त ऑयली मिर्चे हैं यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल। आज मैं बना रही हूँ दाल चावल, बहुत मज़े की दाल यहाँ पर बनने वाली है। और एक पाव हमने दी है पचमेल दाल, मिक्स दाल ली है हमने सारे, मूंग, मसूर, अरहर और माश की दाल है यहाँ पर, ये देखिए चने की दाल है यहाँ पर। ये सब दालें मिलाकर क्वांटिटी एक पाव चने की दाल है। इसे हम अच्छी तरह से वॉश करके और इसे हम भिगो देंगे आधे घंटे के लिए, और फिर आपको दिखाते हैं आगे प्रोसेस। ये देख लीजिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमने दाल धो के भिगो के रखी थी। अब हम यहाँ पर एक से डेढ़ लीटर हमने पानी डाला है इसके अंदर, और इसे हम बॉईल कर लेंगे नमक डाल के। बाकी इसका मसाला जो है वो हम अलग भून लेते हैं। नए स्टाइल में बना रहे हैं दाल, नमक ऐड कर लेंगे हसब ज़रूरत। दाल में फॉल आ चुकी है, झाग हटा दी है, और अब इसमें थोड़ा सा हमने घी डाला है ताकि दाल जो है उबाल के साथ गिरे ना पकते पकते। तो हम लीड लगा के रख देंगे, इसे साइड में करते हैं पकने के लिए। और यहाँ पर है एक कढ़ाई, और इसमें मसाला भून लेते हैं ऑयल डालकर। अच्छा अच्छी व्यूअर्स, दाल के मसाले फ्राई करने के लिए हमने टमाटर लिए हैं, एक मोटी वाली हरी मिर्च कटिंग कर ली थी, प्याज है, हल्दी है, और पिसी हुई मिर्चें हैं, लौंगे हैं और काली मिर्ची है, अदरक लहसुन ताज़ा पीस लिया था। यहाँ पर हम कढ़ाई में हाफ कप ऑयल डालेंगे, गर्म कर लेंगे। प्याज हरी मिर्च फ्राई के लिए ऐड कर चुके हैं हम, बहुत मज़े की यहाँ पर ही दाल बनने वाली है। इसके साथ हम अचारी मिर्च फ्राई करेंगे, और जीरा राइस के साथ हम इसको सर्व करेंगे, मज़े की मसाले वाली दाल और मिर्ची फ्राई। आप भी ज़रूर बनाइएगा ये वाली रेसिपी अपनी फैमिली के साथ, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर कीजिएगा ये रेसिपी को, लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सबसे पहले वीडियो आपको मेरी मिलेगी आपके यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करने से लाइट सा फ्राई करेंगे, अदरक लहसुन डालेंगे, फ्लेम यहाँ पर हाई है, अदरक लहसुन ऐड कर चुके हैं। टमाटर ऐड कर दिए मैंने, और अब स्पाइसेस डालेंगे, हल्दी, मिर्ची, स्पाइसेस ऐड कर दिए मैंने यहाँ पर, पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है यहाँ पर। फ्राई कर लेंगे इन सब चीज़ों को, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे उसी बर्तन में जिसमें मैंने स्पाइसेस लिए थे, और इसको फिर फ्राई कर लेंगे। ज़बरदस्त कलर है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े की खुशबू यहाँ पर मसाले की आ रही है। और नमक हम दाल में ऐड कर चुके हैं, और मिर्चों के मसाले में भी नमक होगा अचारी मसाले में। थोड़ा सा पानी मसाले में ऐड कर लेंगे, बाद टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और टमाटर घुटते जा रहे हैं, प्याज भी यहाँ पर घुटती जा रही है, और 5 से 10 मिनट मैंने जैसे हाई फ्लेम पर लीड लगा के रखा था ताकि मसाला जो है हमारा अच्छे से भून जाए और जल्दी भून जाए। इसके बाद हमें मिर्ची फ्राई करनी है। गजब की खुशबू माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आ रही है, और हम आपको एक नई रेसिपी सिखा रहे हैं, आई एम श्योर आपको पसंद आएगी।
खाना जब दिल लगा के बनाया जाए तो बहुत ही मज़े का बनता है, मेहनत से और जायके वाला बनता है। एक तो होता है बस खाना बनाया बेदिली से और जान छुड़ा ली, तो उसमें जायका नहीं होता, बस वो काम निपटाने वाली काम करने वाली बात होती है, लेकिन दिल से बना हुआ और मेहनत से बने हुए खाने की बात ही क्या है। ऑयल छोड़ता जा रहा है यहाँ पर। ये हमारा भुना हुआ मसाला है, अचारी मसाला, सौंफ, साबुत धनिया, कुटी मिर्ची और कलौंजी, मेथी दाना, ये सब इसके अंदर ऐड है और हमने इसे भून लिया था। अब हम इसे भी कटिंग कर रहे हैं, तो ये डंडियों के साथ ही हम मिर्चों को चाक कर लेंगे और इस तरह से हम इसके अंदर मसाला फिलिंग कर लेंगे। आप लोग यहाँ पर चाहें तो लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, हमारे खट्टी जो है लेमन जूस वाली, हरी मिर्चें नहीं खाई जाती, तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है ऑयल ताकि ये अच्छे से ये लेस बन जाए और ये मिर्चों के साथ मसाला जो है वो चिपक जाए। यहाँ पर ऑयल जो है वो हम उतार लेंगे इसके अंदर साइड से, जिसके अंदर आया है ऑयल, इसके अंदर दाल मिक्स करेंगे और ऑयल को ऊपर से फिर दोबारा से ऐड कर लेंगे, यही वाला ऑयल। यहाँ पर दाल को देख लेते हैं कितनी बॉईल हो चुकी है और इसमें पानी है, थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे मसाले के अंदर, और चावल के साथ दाल हम खा रहे हैं तो हम दाल जो है नॉर्मली रखेंगे थिकनेस दाल की। ऑयल मैंने उतार लिया है, यहाँ पर मैंने सारा मसाला जितना भी था अचार का मिर्चों के साथ जो है फिलिंग कर लिया है, फ्राई करने की तैयारी करेंगे, इसमें ऑयल गर्म करेंगे। दाल को मसाले के साथ मैं ऐड कर चुकी हूँ, इसको मिक्स कर लूँगी। दाल की थिकनेस देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी मैं इसको आधा गिलास पानी इसके अंदर अभी और ऐड करूँगी, इसको पका लेंगे पानी ऐड करके। यहाँ पर मैंने मिर्ची फ्राई कर लेनी है, कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है। मिर्ची को मैं बिल्कुल दम वाली आंच पर रख रही हूँ और फिर मैं ढक के रख दूँगी मिनिमम 5 से 10 मिनट, बस सॉफ्टी हो जाएंगी, मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी इसका। दाल की थिकनेस हमें इतनी ही चाहिए थी, चावलों के साथ खा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। हरा धनिया ऐड कर दिया है इसके अंदर हमने। यहाँ पर सैलेड में है खीरा, प्याज, काली मिर्ची और गरम मसाला, ये सर्व करते वक्त ऐड करेंगे। चावलों को भी भिगो देते हैं साथ साथ, मिर्ची सॉफ्टी हुई है यहाँ पर। एक तड़का हम और लगाएंगे, इसके लिए हमने घी लिया है यहाँ पर, और पहले वाला ऑयल इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने दाल के अंदर से बचाया था। अच्छा सा कलर देंगे इसको। यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता ले लिया है, फ्लेम को ऑफ करूँगी, ऑयल बहुत गर्म हो चुका है और इसके अंदर हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। फ्लेम को ऑफ कर चुके हैं, मिक्स कर लेंगे इसको जबरदस्त। यहाँ पर ऐड कर देंगे ऑयल, अब ऐड करेंगे यहाँ पर मिर्ची फ्राई वाला मसाला। दाल स्पेशल बनने जा रही है यहाँ पर, तो अब इसके अंदर डालेंगे ये ऑयल जो दिख रहा है, इसके अंदर डाल देंगे दाल को अच्छी सी खुशबू देने के लिए। इसके अंदर मिर्ची भी ऐड करेंगे और इसे सर्विंग करते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। मिर्ची फ्राई वाला यहाँ पर कढ़ाई ले ली है हमने, जिस कढ़ाई में हमने मिर्ची फ्राई की थी उसी कढ़ाई में हम यहाँ पर पानी को बॉईल करेंगे नमक डाल के, और उसी के साथ जो है हम चावल यहाँ पर बॉईल होने रख देंगे और ऊपर से चावल को भगाड़ दे देंगे। यहाँ पर मैंने चावल चढ़ाने रख दिए हैं और नमक और ज़ीरा ऐड कर दिया है पानी के साथ ही, और बस अब इसका जो है थोड़ा सा ज़ीरे का भगाड़ लगाएंगे, चावल को खोल के रखेंगे और इसके अंदर उबाल आ जाए उसके बाद हम इसके अंदर लीड लगा देंगे। चावल को हमने भिगोया था 20 से 25 मिनट, यहाँ पर हम भगाड़ लगा चुके हैं और अभी इसमें पानी है, अभी फ्लेम जो है वो हाई है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ज़ीरा भगारे चावल की, और अब हम इसे लीड लगा के रखेंगे। यहाँ पर मैंने अदरक ऐड कर ली दाल भगाड़ के बाद,
और यहाँ पर हम लेंगे काली मिर्ची। अभी हमने इसे मिक्स नहीं किया है क्योंकि चावल हमारे दम में लगे हुए हैं अभी। और इसी के साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर दाल बनके रेडी हुई है व्यूअर्स। बहुत ही ज़बरदस्त ऐसी रेसिपी आप लोग, उम्मीद है आपको 110% पसंद आएगी इंशाल्लाह जब आप इस तरह से बनाएंगे, एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे। जी व्यूअर्स, फाइनल लुक दिखा रहे हैं, यहाँ पर चावल रेडी हैं, दम लगे हुए थे, फ्लेम ऑफ कर दिया है, सर्व करने लगे हैं। यहाँ पर दाल है, इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी हुई थी, सब ये हम सर्व करने लगे हैं। एक बॉल में निकाल चुके हैं दाल को। लाल लहसुन की चटनी है, प्याज है, सैलेड है, मिर्ची फ्राई है, मिर्ची का ऑयल, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू यहाँ पर। और ये है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से खिले खिले थे चावल तो। और यहाँ पर ये है बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल जिसे अब हम चावलों पर डालकर आपको दिखाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टेक्स्चर यहाँ पर चावलों का ये आने वाला है दाल के साथ, और इसे हम खाएंगे देसी स्टाइल में। बहुत ही मज़ा यहाँ पर आने वाला है। इस तरह से आप एक एक रेसिपी को, एक एक स्टेप को फॉलो करते जाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही मज़े यहाँ पर आने वाले हैं, आपकी फैमिली को बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। ये देख लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर, ये देख लीजिए। सब चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे, एक चमचे में सारी चीज़ नहीं आ सकती, लेकिन हम आपको इस तरह से दिखा रहे हैं दाल चावल का लुक बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में एक और अच्छी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।